बरेली में समाजवादी छात्र सभा ने कुलपति का घेराव कर प्रदर्शन किया। छात्र नेता रवि पंडित और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में विरोध जताते हुए नारेबाजी की। कुलपति की गाड़ी से उतरते ही समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने कुलपति की गाड़ी को घेर लिया। विद्यार्थियों ने अपनी व्यक्तिगत समस्या सुनाई। बताया LLB की तमाम सीटें खाली पड़ी हैं। साइट खोलकर विद्यार्थियों को मौका दिया जाए व समाधान की मांग की तो कुलपति ने उन पर दबाव बनाया और कहा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। इन बातों से साफ साफ प्रतीत होता है कि उनका प्राइवेट कॉलेज से संपर्क है। विद्यार्थियों का आरोप है कि हाल ही में BA, BCom, BSc के सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। परीक्षा में सम्मिलित होने के बावजूद भी इनकम्प्लीट एब्सेंट दर्शाई गई व एब्सेंट लगा दी। समाजवादी छात्र सभा संगठन के छात्र नेता रवि पंडित ने बताया कि हाल ही में विद्यार्थियों ने LLB का एंट्रेंस दिया और अच्छे नंबर होने के बावजूद भी साइट को बंद कर दिया गया। समाजवादी छात्र सभा जिंदाबाद। सर मैं LLB के लिए 10 बार जा चुकी हूँ। दूसरा समस्या सर ये है, बरेली कॉलेज की दिक्कत है। बरेली कॉलेज की दिक्कत नहीं सर, तनवान कॉलेज गवर्नमेंट सर ऐसे हैं, आप सर रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। उसके काफी सीटें खाली, सर पेपर भी दिया है और सर नंबर भी अच्छे खासे आए हुए हैं। इसके बाद भी साइट बंद कर दी गई। 78 सीटें बरेली कॉलेज में खाली है और भी खाली है। दूसरा सर अभी क्या दीक्षांत समारोह जा रहा है तो कुछ कॉलेजेस के सर अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। अभी जैसे क्या नाम उसका रिजल्ट समझ लिया, ड्राइंग पेंटिंग का है और BA के आए हुए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।